बीकानेर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली मिर्जा ने आज अपना नामांकन किया। उन्होंने नामांकन के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरह से हर क्षेत्र में रिटायरमेंट की व्यवस्था है, वैसी ही राजनीति में भी होनी चाहिए। जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में यहां की जनता के साथ छल हुआ है, जनता उसका जवाब जरूर देगी। यदि जनता मेरे ऊपर विश्वास करके सदन में भेजती है तो लोकल मुद्दों पर कार्य करके जनता के हित के लिए सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यहां लड़ने नहीं जीतने आए हैं। जनता फैसला करेगी कि रिटायरमेंट वाले को चुनना है या कुछ करने वालों को चुनना है। ये जनता का चुनाव है। जनता तय करेगी किसको लोकसभा में भेजेंगी। जनता मूड बना चुकी है। जनता अब रिटायरमेंट को नहीं झेलेगी। मैं मोहम्मद नदीम, बहुजन समाज पार्टी से माननीय बहन जी ने हमको लोकसभा लड़ने के लिए भेजा, उनका धन्यवाद के साथ, आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, सहयोग का धन्यवाद आप लोगों का। और नामांकन आज दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद अब अगले फेज में कल से हम लोग अपने प्रचार प्रसार में लगेंगे। और जो पुरानी राजनीति चली आ रही है और जो भी कैंडिडेट हैं, उन किसी का नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट हैं, अब मैं इतना ही कहूंगा आप पत्रकार बंधु से भी और यहाँ के डोंगरियागंज के आवाम से भी कि 60 के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, तो वो रिटायरमेंट में राजनीति एक ऐसा पेशा हो, उसको पेशा ही कहूँगा मैं अपने शब्दों में, कि ऐसा पेशा है कि जिसमें रिटायरमेंट की कोई उम्र लोगों ने नहीं बांध रखी, जबकि होनी चाहिए मेरे हिसाब से। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? जी, मैं जनता के बीच में जनता की भलाई का, देखिए जो भी आता है, हर बार जनता वोट देती है और हर बार ठगी जाती है। जनता के लोकल इश्यूज जो है उसी के लिए प्रतिनिधित्व देने का काम जनता करती है, और वो अगर सही ढंग से नहीं डिलीवर होता है तो जनता के साथ छल होता है। पिछले 5 साल में जो भी जनता के साथ छल हुआ है उसका हिसाब जनता खुद लेगी और उस पर हम लोग सहयोग करेंगे। अगर जनता विश्वास करके सदन में भेजती है तो लोकल मुद्दों पे हम लोग काम करके और जनता के हित के लिए आगे काम करने का कार्य करेंगे। 21 दिन बचा है, 21 दिन में क्या आप क्षेत्र में पहुंच पाएंगे, लोगों के बीच में क्यों जनता आपको? सर, पार्लियामेंट का चुनाव है सर, ऐसे भी डोर टू डोर अगर समय भी मिलता है तो डोर टू डोर होता नहीं है, संभव नहीं होता है, लेकिन अपनी आवाज़ जनता की आवाज़ बन के जनता ही पहुंचाएगी। और पहले से ही जनता चीज़ों को समझ रही है, क्योंकि जो वेल नोन है, जिसको बहुत भली भांति दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार देखा जा चुका है, समाज ने देखा है, समझा है, अब उसको बहुत बार कोई चीज़ को काट की हाँड़ी जो है वो दो ही बार, एक बार चढ़ जाती है, दो बार धोखे में चढ़ जाएगी, लेकिन बार बार चढ़ना उसका असंभव होता है। लड़ाई मानते हैं आप अपनी? जी, लड़ाई किसे मानते हैं कि आप? हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम यहाँ जीतने आए हैं। आपको नहीं लगता दिल जीतने आए हैं अपनी आवाम का, डुमरियागंज के लोगों का? ना हमारा कोई किसी से लड़ाई है, ना हम किसी से लड़ने आए हैं। ये लड़ने का शब्द ही मेरे अपने हिसाब से गलत है। एक कॉन्टेस्ट है, एक प्रतियोगिता समझिए इसको, जो आए सबका वेलकम है। जनता को वोट देना, जनता को डिसाइड करना है कि वो रिटायरमेंट के उम्र के बाद के लोगों को जो है वो रिटायर करेगी या फिर नए लोगों को मौका देगी। पाल है जो 15 साल से सांसद है और जी बीच में हमेशा रहते हैं जी, एक तरफ आप हैं, 21 दिन चुनाव में बचा जी है। जी जी, कैसे आप उसको सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, सर्वाइव करने का मतलब ही नहीं, जनता लड़ेगी, जनता लड़ रही है। एक कैंडिडेट तो अकेला होता है, लड़ती जनता, जिताती जनता है। वोट तो जनता देना है, जनता को देना है, जनता डिसाइड करके बैठी हुई है कि किसको देना है। 3 बार के, अगर आप ही बता रहे हैं 3 बार से है, तो 3 बार के कार्य की समीक्षा जनता करेगी कि नहीं करेगी? और समीक्षा करेगी और कर रही है, जिसका यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग कायदे से देख रहे होंगे उसको, तो उसकी समीक्षा जनता खुद करके बैठी हुई है, जनता इंतजार में है। हमें अपने को प्रूफ करना है कि हम जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए आप लोग का सहयोग अपेक्षित रहेगा, हमको आपका सहयोग मिलेगा। जनता का सहयोग करके हमको जिताने हराने का काम जनता का है, वो हमारा या किसी भी कैंडिडेट का काम तो है नहीं। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी बैकफुट पर खेल रही, क्योंकि लास्ट ओवर में एक कैंडिडेट को किया, उसके बाद फिर दूसरा? हमारी पार्टी आप जब देखिएगा ओवरऑल तो फ्रंट फुट पे खेल रही है। आप कैसरगंज चले जाइए और कैसरगंज उसका प्रमाण है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन से रोके हुए टिकट को, जिसमें महिला पहलवानों के जो जिस साथ में किया है पार्टी ने, वो किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। और बहन जी ने जो एक मास्टर स्ट्रोक मारा है, वही ये प्रदर्शित कर देता है कि हाँ, अंतिम क्षण में
हम बहन